समझ में आ जाएगा बिल्कुल। तो दोस्तों अब जो है सरदार जी के यहाँ से निकल चले हैं, रोहित भाई भी जो है अपना ट्रैक्टर करवा रहे हैं। अच्छा जी भाई, राम राम जी, मिलते हैं जल्दी। तो दोस्तों भाई की जो है मकानों में मॉडिफाई लाइट की जो है झालर वगैरह झूमर वगैरह जो लगते हैं, रोहित भाई की वो हापुड़ में दुकान है, वो आपको जल्दी दिखाएंगे। दोस्तों ये देखें, ट्रैक्टर से भी ज्यादा दोस्तों कि ये जो परीक्षितगढ़ किला परीक्षितगढ़ रोड है ये अच्छी है, इसीलिए दोस्तों आ गए। इतनी लंबी मंजिल खराब रोड पर पूरी नहीं की जा सकती, पर बीच में थोड़ा सा जहां से हम मेरठ से बच के जाएंगे वही रजवाए की पटरी टूटी हुई है, यानी बाकी रास्ता बहुत अच्छा है घर से यहाँ तक। तो देखें फोर्ड चलता हुआ बहुत अच्छा लग रहा है दोस्तों। तो इस ट्रैक्टर की किस्मत ही थी जो इसमें इतना काम हुआ। तो दोस्तों इसमें मील का भी रोल है कि जैसे पेमेंट गन्ने का हमारा टाइम से मिलता है, तो इसमें बचा कुछ मॉडिफिकेशन का काम हो गया। तो दोस्तों यही है, अपना प्यार सपोर्ट अपना आशीर्वाद बनाए रखें, आगे भी दिखाते रहेंगे दोस्तों। और रास्ते में ज़्यादा ट्रैफिक आएगा आगे तो वीडियो नहीं मैं बना पाऊंगा, तो आपको एक आधा शॉट आगे दिखाएंगे। ना कुछ इंडिकेटर देने का पता है ना कुछ पता, कहीं का कहीं को भगा देंगे, मोटरसाइकिल अनसन चलाओगे, लोगों की एस्टेसी मारेंगे, फिर लड़ेंगे उनसे, उनका मेरा टक्कर मार दी, मेरा चोट मार दी। तो दोस्तों अंधी दौड़ है, इसमें आपको अपने आप को बचाना है, अपनी ताकत को भी अपने गुस्से को भी संभालना है, पैसा मेहनत से कमाना है, सोच समझ के ही खर्च करना है, क्योंकि दोस्तों आगे आगे बहुत कॉम्पिटिशन महंगाई का जोर होता जा रहा है, बच्चों में इतना ज़्यादा दिखावा घुस चुका है। ये तो दोस्तों समय की डिमांड थी, जब हमने फोर्ड मॉडिफाई पेंट करवाई लिया था तो बहुत भाइयों की इच्छा थी कि इस पर बम्पर लगे और इस पर जो है छतरी लगे, नहीं तो दोस्तों हम तो दोनों भैया इतने कम खर्चे के हैं कि हमारा जिस तरह भी काम चल जाए हम चलाने की कोशिश करते हैं। लेकिन पापा जी और हमारी डोली दीदी, हमारी मौसी और हमारा अंशी, ये कुछ बच्चे घरों में और बड़े ऐसे हैं जिन्हें शौक बहुत है, तो इनके साथ हमारा भी जीवन चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। आगे भी देखते रहे आप, गंगानगर किला से मवाना रोड, जो किला परीक्षितगढ़ वाली रोड है और मवाना रोड के बीच में की ये रोड है डबल लाइन गंगानगर में। दोस्तों डोली दीदी की भी कोठी इनसे पीछे ही पड़ती है, थोड़ा सा चलना पड़ेगा अंदर की तरफ। तो दोस्तों इधर जो है मिलिट्री रेंज है, यही एक गोली एक दुश्मन वाली है, ये भगत लाइन से इधर बराबर में। तो दोस्तों फायरिंग चल रही है इधर। तो दोस्तों डोली दीदी के यहाँ नहीं चल रहे हैं, वीडियो के माध्यम से मैं दीदी से सॉरी बोल रहा हूँ, क्योंकि दोस्तों शाम होगी और कोहरा भी आने लगा, जल्दी कोहरा आएगा, बारिश का भी मौसम है। तो डोली दीदी को जो है फोर्ड पर बैठ के वहीं घुमा देंगे। टिंग टोंग दीदी सॉरी। तो दोस्तों बबलू भाई थोड़ा रुके हैं गंगानगर के और इधर मोदीपुरम के बीच में, ये दो गांव पड़ते हैं बीच में। तो दोस्तों रजवाए की जो पटड़ी है, नाले की जो पटड़ी है, वो बहुत भयंकर टूट रही है। ये गांव की सड़क फिर भी ठीक है, लेकिन ये रोड टूटी हुई है, लेकिन फिर भी ये गांव देहात की सड़क है, इतने बड़े गड्ढे नहीं है जितने रजवाए वाली में है। उसमें तो दोस्तों इतने बड़े गड्ढे हैं, अगर ध्यान ना करें तो छतरी टूट के नीचे गिर जाएगी। तो चल दिए हैं फिर दोस्तों, हम बाहर बाहर मोदीपुरम में आ पहुंचे हैं, पल्लवपुरम में डिवाइडर रोड पे। तो अब जो है मैं तो डीजल लूंगा और बबलू भाई रोड क्रॉस करके आगे बढ़ेंगे धीरे धीरे। तो दोस्तों यहाँ तक का सफ़र हमारा काफ़ी एडवेंचरस रहा है। तो अब जो है कन्नी दबा लेते हैं एक साइड में, तो देखते हैं। आज दोस्तों 5 भी नहीं बजे हैं अभी, कितनी धुंध छा गई है, मौसम बहुत ज़्यादा ख़राब है। तो दोस्तों बारिश के डर की वजह से हमें जल्दी लाना पड़ा नहीं, एक दो दिन और रहता वहीं। तो दोस्तों पेट्रोल पंप आ गए हैं, बबलू भाई तो फ्लाईओवर के नीचे से उधर से आ रहे हैं, मैं इतने इसमें डीजल भरवा रहा हूँ 1000 रुपये का, इसमें कुछ इसमें कैन में भी डलवाएंगे। अरे खुला नहीं भाई, क्या गड़बड़ हुई? अच्छा खुली नहीं, सुन नहीं रही। तो दोस्तों थोड़ा सा कैन में भी डलवा लेंगे, ये इसमें ढपड़ा इसमें पड़ा है, लगाना पड़ेगा गल पे। दोस्तों मैंने 3000 रुपये का डीजल लिया है यहाँ से, तो ये मैं पर्ची बनवाता हूँ जब भी डीजल लेता हूँ। तो दोस्तों गाड़ी में बैठ लिया, अब निकल चलते हैं, थोड़ा सा सामान भी लेना है फटाफट। दोस्तों अब यहाँ से जो है भव्य पैलेस में से चौहान मार्केट में से अपना सामान सब ले लिया है,
और दोस्तों स्ट्रीट फूड पे जो सड़क मैर बाजार में बिकने वाला खाना है, स्टॉल लगते हैं दोस्तों, पब्लिक इतनी दीवानगी है पब्लिक में खाने की भाई, कमाल है। मैंने कह रहा दोस्तों चलो हमारे पास में करने के लिए खेती बाड़ी, यानी वास्तव में मैं तो मोदीपुरम में 8-10 जगह स्टॉल लगा देता और पूरी मेहनत करता अपने जीवन में। दोस्तों बड़ी अच्छी कमाई है, तो कोई भाई जो है इस बात में काम कोई बड़ा छोटा नहीं होता, सुबह उठते ही जो नित्य कर्म हम करते हैं उससे सब अच्छे ही अच्छे हैं। तो दोस्तों बहुत बहुत अच्छा लगता है जब कोई भाई मेहनत करता है और आगे चल के पैसा बनाता है। दोस्तों फाटक खुले मिल गए हैं, ट्रैफिक पहले ही हमारे आने से पहले ही निकल गया है, यहाँ जाम रहा होगा बहुत तगड़ा इस टाइम। तो दोस्तों टोल टैक्स से बच के आने वालों का और कॉलेज से जाने वालों का जाम लगता है। तो दोस्तों बबलू भाई शायद खेत की तरफ से निकल गए हैं और दोस्तों हम यूनिवर्सिटी पार करेंगे साइड से, अब इंडिकेटर देख। दोस्तों मैं भी उतर लिया हूँ घर आके, ट्रैक्टर बंद हो गया। तो दोस्तों अंश की फरमाइश पे हाँ यही लिया, अरे यही लिया कोई बात नहीं। दोस्तों बबलू भाई इतने डिस्टर्ब रहते हैं कि घर में भी ये देखते हैं कि मैं इसे खड़ा कहाँ करूँगा। हाँ 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 तो दोस्तों बच्चों को देखो, अंश की टीम एकदम आने लगी है। डुग्गू है ना अक्की है ये तो। तो दोस्तों डुग्गू है अक्की है, ये बच्चे मोहल्ले के ऐसे हैं, आपस में इंजॉय करते हैं। तो दोस्तों अंश की और दादू की जीत की वजह से हमें मॉडिफाई जो काम बच रहा था इसका वो करवाना पड़ा। तो दोस्तों देखें, और दोस्तों आगे भी देखेंगे कोई और बढ़िया सामान होगा वो भी लगवाएंगे इसमें। तो ये देखें बहुत बहुत शानदार, अक्की बढ़िया हो गया, मजा आ गया, ठीक है। तो दोस्तों इसकी पट्टी निकाल देता हूँ, एक काम ये लो, चलो 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 बस बंद कर दो बस, मच्छर भाग जाएंगे सारे, दो चार रहने भी चाहिए। दोस्तों देखें, तो दोस्तों यहाँ तक की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, आगे लाइक शेयर सब्सक्राइब करें भाई। दोस्तों रोटी मिली ली थी, हम तो रोटी खावे चल गए, इन्हें मंडे रहने दो बच्चों को। धन्यवाद, जुड़े रहिए, अपना प्यार और आशीर्वाद बनाए रखे, धन्यवाद। टिंग टोंग। दोस्तों अब मैं नीचे आ गया हूँ और देखें ये इधर से क्या खड़का हुआ है। तो ये देखें दोस्तों 9:30-10 बजे भी दादू पोते दोनों जो हैं ट्रैक्टर पर चढ़ रहे हैं और इस पर जो है मजा लिया बंद कर भेड़ी। तो दोस्तों देखें मजा आ गया, तो ज्यादा ही धन्यवाद, जुड़े रहिए।